नमस्कार, स्वागत है आपका आरएएमसी मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीरीज में। आज है डे 18 और आज सिंपल इंटरेस्ट से ही रिलेटेड हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको ये दो फॉर्मुलेस करवाए थे, पी प्लस एस आई इजिकल टू अमाउंट और एस आई इजिकल टू पीआरटी। इसी पर बेस्ड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं एंड देन वी विल डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ओके, तो हमने देखा था कि प्रिंसिपल में अगर आप इंटरेस्ट ऐड करो तो इट गिव्स यू अमाउंट। सपोज इसको मैं इक्वेशन नंबर वन बोलता हूँ एंड वी हैव सीन वन मोर फॉर्मूला दैट एस आई इजिकल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, अब क्या है ना, देखिए इन दो फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अपने कैलकुलेशंस या अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एस आई निकालना है बट प्रिंसिपल इज नॉट गिवन टू यू, या प्रिंसिपल निकालना है और एस आई नहीं दिया है, तो बेसिकली इन्हीं दो फॉर्मूले से हम लोग वो भी निकाल लेते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि अभी हम क्या करें, एक और या दो और फॉर्मूलेज अभी हम फाइंड आउट करें बाई यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज ओनली। अभी मैं क्या करूँगा ना, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर टू, इस इक्वेशन नंबर टू की वैल्यू मैं फर्स्ट पे पुट करता हूँ। मैं क्या बोलूँगा, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन वन। आपने जैसे वन में डाली होगा क्या, प्रिंसिपल प्लस एस आई। अब एस आई की वैल्यू यू हैव पी आर टी अपॉन 100, तो पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू अमाउंट। ओके, अगर आप पी कॉमन ले लेते हैं, इफ यू टेक पी कॉमन तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू ए। ओके, और यहाँ से चलो ठीक है, यू टेक एलसीएम ऑल्सो, आप एलसीएम लोगे तो 100 नीचे आ जाएगा, ये जाएगा 100 प्लस आर टी। और यहाँ से अगर आप प्रिंसिपल निकालोगे तो आपके लिए पास एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला आएगा, दैट इज 100 इंटू ए अपॉन 100 प्लस आर टी। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सी इन दिस फॉर्मूला यू कैन ईजिली फाइंड प्रिंसिपल इफ अमाउंट एंड रेट एंड टाइम गिवन टू यू। अमाउंट और रेट या टाइम आपको दिया हो तो आप आराम से प्रिंसिपल निकाल सकते हो, यू डोंट नीड टू फाइंड एस आई, क्योंकि आप देखते हो ना कि प्रिंसिपल निकालने के लिए यू शुड नो एस आई ऑल्सो। तो ये वो फॉर्मूला है जिसमें विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एस आई। मैं इसको ये बोलूँगा कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एस आई। इन द सेम वे आप चाहें तो एक एस आई का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होगा प्रिंसिपल के। कैसे, अब ये जो प्रिंसिपल आया, सपोज मैंने बोला इसको इक्वेशन नंबर 3, नाउ पुट दिस इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है हमारी 100 ए अपॉन 100 प्लस आर टी प्लस एस आई इज इक्वल टू अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस एस आई इज इक्वल टू अमाउंट, वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। आई हैव पुट इक्वेशन नंबर 3 नाउ इन इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ से एस आई की वैल्यू हो जाएगी एस आई इज इक्वल टू ए माइनस 100 ए अपॉन 100 प्लस आर टी। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी एलसीएम लोगे तो 100 ए प्लस ए आर टी माइनस 100 ए अपॉन 100 प्लस आर टी। ओके, यहाँ से 100 ए और 100 ए विल गेट कैंसल्ड और यू विल गेट अ फॉर्मूला फॉर एस आई ऑल्सो। एस आई इज नथिंग बट ए आर टी अपॉन 100 प्लस आर टी। ठीक है, सो यू हैव गॉट टू फॉर्मूलाज, वन यू हैव गॉट फॉर प्रिंसिपल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एस आई, वन यू हैव गॉट फॉर एस आई विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं है अलग से, मतलब टाइम कंज्यूम नहीं होगा आपका। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा ही पूछा है, अमाउंट रेट और टाइम दिया है और ऐसा ही पूछा है, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। इन द सेम वे अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा है और अमाउंट रेट और टाइम दिया, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड योर प्रिंसिपल। ओके, तो आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, और इसको ध्यान में रखने के लिए आप देखो कि जो नए दो फॉर्मूलेज निकले हैं दोनों के डिनोमिनेटर में 100 प्लस आर टी है। एस आई पी आर टी होता तो यहाँ पर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ पर ए आर टी हो गया। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 ए न्यूमरेटर वाला पार्ट। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आया है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू रुपीज इतना एट 4% पर एनम इन 3.5 ईयर्स। ये 3.5 ईयर्स है, 3 1/2 विच इज नथिंग बट 7/2 ईयर्स। ओके, अब आपसे प्रिंसिपल पूछा है, दिया क्या है, गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, अमाउंट कितना है रुपीज 570, रेट कितना दिया आपको 4% पर एनम, और टाइम कितना दिया आपको 7/2 ईयर्स। अब आप चाहो तो वो जो दो फॉर्मूलेज है ना हमारे, दैट प्रिंसिपल प्लस एस आई इक्वल टू अमाउंट या एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट वी नो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है और ए आर टी दिया है, तो अब डायरेक्टली हम लोग वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, प्रिंसिपल इक्वल टू 100 ए अपॉन 100 प्लस आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन 3 जो हमने अभी निकाली थी, देखो दिस वन, ये देखो जो इक्वेशन 3 निकाली थी 100 ए अपॉन 100 प्लस आर टी, इसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो इससे होगा क्या कि डायरेक्टली जब हम इसको यूज करेंगे, इससे होने वाला क्या है, इससे
बेसिकली आपका टाइम सेव होगा, ठीक है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली वी विल गेट द आंसर। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू ए, ए कितना है, ए है हमारा 570 अपॉन 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर कितना है 4, टी कितना है, टी है 7/2, तो ये 2 2 ज़ा कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, सो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 570 अपॉन 114, और 114 फाइव टाइम्स, और प्रिंसिपल कितना आ गया 100 रुपीज़। ठीक है, तो कितना इजी हो चुका है आपके लिए कैलकुलेशन, एंड यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, एंड ऐसा नहीं कि यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा आरएमसी में, विल गेट 5 मार्क्स, अगर 10 मार्क्स का आएगा विल गेट 10 मार्क्स, ओके। हाँ, बट यूजिंग द फॉर्मूला ऐसे लिखकर इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, जितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन उतने अच्छे नंबर आपके, ओके। तो आई होप कि छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और कहीं ना कहीं ये जो आरएमसी की कॉन्सेप्ट सीरीज आ रही है ये ज़रूर आपको हेल्प कर रही होगी आपके एग्जाम के लिए। इसी तरीके की और भी वीडियोस आएंगी, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।